हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी ट्यूब रोहित। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एसे ऑन ब्लड डोनेशन। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आएगा। और हाँ दोस्तों, इस एसे का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी बताता रहूंगा। तो शुरू करते हैं एसे ऑन ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन is one of the most significant contribution of human beings. It is not harmful and the person who donates blood can regenerate the cells within few days. It poses no threats to the human body. The World Blood Donor Day is observed on 14th June every year. Raktdan मानव के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। यह हानिकारक नहीं है और जो व्यक्ति रक्तदान करता है वह कुछ दिनों के भीतर कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न कर सकता है। इससे मानव शरीर को कोई खतरा नहीं होता है। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। There are many diseases which are due to the lack of blood. And many people are dying because they do not get blood at proper time. If we donate the blood, we can save someone's lives. खून की कमी के कारण कई बीमारियां होती हैं, जिससे लोग मर भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें उचित समय पर रक्त नहीं मिलता है। अगर हम रक्तदान करते हैं, तो हम किसी की जान बचा सकते हैं। There are different blood groups present in human body which are O, A, B and AB. O blood group is universal donor and AB is universal acceptor. Several campaigns are held in school, colleges and various institutions to aware people about blood donation. मानव शरीर में विभिन्न रक्त समूह मौजूद हैं जो O, A, B और AB हैं। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी कि दोस्तों हर ग्रुप को रक्त दे सकते हैं, और ए बी यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी कि दोस्तों हर ग्रुप का रक्त ले सकते हैं। रक्तदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में कई अभियान चलाए जाते हैं। ब्लड डोनेशन इज अवर ह्यूमन ड्यूटी। इट डज नॉट अफेक्ट our body and our body regenerates the blood cell within few hours. So we must donate blood as it can save life of many people. रक्तदान हमारा मानवीय कर्तव्य है। ये हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करता है और हमारा शरीर कुछ घंटों के भीतर रक्त कोशिकाओं को पुनः बनाता है। इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि यह कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। सो वी शुड डोनेट ब्लड रेडली विच विल कीप अवर बॉडी रिफ्रेश एंड इवन वी विल गेट सो मेनी ब्लेसिंग्स बाय सेविंग लाइफ ऑफ पीपल। इसलिए हमें आसानी से रक्तदान करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ताजगी बनी रहे और यहां तक कि हम लोगों को का जीवन बचाकर बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरा बनाया हुआ ये वीडियो ऐसे? अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। और कमेंट में ये लिखना ना भूलें, मैं अगला ऐसे एप्लीकेशन, स्पीच, लेटर, पैराग्राफ कौन सा डालूं। तो धन्यवाद दोस्तों, जो आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा। धन्यवाद दोस्तों।